कहीं चेक 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन, वी हैव विद अस मिस्टर भुवनेश्वर कुमार. बिफोर वी बिगिन, प्लीज पुट योर फोन ऑन साइलेंट एंड इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड एंड विल टेक. ओके भुवनेश्वर, आप नॉर्मली आपने हम लोगों ने पिछले कई सालों से देखा, आपने बीते स्पीड के ऊपर केस के ऊपर वर्क किया और इम्प्रूव की स्विंग को तो आपने बल रखा, लेकिन उसके साथ जैसे आपने बोला कि पेस को मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, मेन रीजन की वो इंजर होता है, वापस आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, अगर वो ओपनिंग पेस आएगा तो शायद फिर से इंजरी हो जाए. तो बेस्ट ऑप्शन है उसके मैचेस खेलना. जैसे मैं आने से पहले कुछ मैचेस खेले तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जो ऊपर मैच खेलूंगा उसके लिए फिट हूँ. चैलेंज है बट उसके लिए तरीके आपको रिहेप करना, किसी के साथ काम करना, बट बेस्ट वे टू गो विद योर प्रैक्टिस मैचेस. We might manifest and worry about the coronavirus threat which is going around all over the world. In this scenario, are you guys worried about the outbreak? And secondly, what do you think, how much of the threat this disease outbreak has we can possess in IPL? I cannot say, it's going to be dangerous because it just started in India. But for that, we are taking every precaution we can take. We have a team doctor with us, he's giving us instruction was do's and don'ts, so we are taking every precaution we can, so hope it won't go much further. South American team ne bola hai ki wo handshake nahi kare, but being a fast bowler aap log saliva use karte ho ball pe, do you think wo bhi aap log ignore karoge is things and further this threat? नहीं, इस बारे में सोचा है, मैं भी बोल सकता हूँ इग्नोर, अगर हमें स्लेवेंस नहीं है बॉल शाइन कैसे करेंगे, फिर मार पड़ेगी आप लोग बोले बड़ी अच्छी नहीं करते हो, तो पता नहीं उसके लिए. बट हाँ, अब जो बोला वो एक वैलिड पॉइंट है, तो लेट्स सी, डॉक्टर है हमारे साथ, आज मीटिंग होगी, वो लोग जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्शन देंगे या जो भी बेस्ट चीज करते हैं कर सकते हैं, सारे स्लेवर यूज करने के साथ हम इग्नोर कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर के ऊपर है मीटिंग, वो जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे या जो भी चीजें होंगी उनको फॉलो करेंगे. ऑब्वियसली आपके एब्सेंस में थोड़ी ओडीआई फॉर्म में हमारे मल्टीप आई है, न्यूजीलैंड में भी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं रही है, लेकिन ऐसे जो सीरीजेज होती है कि टीम मैच की साउथ अफ्रीका पहले खेल के गई थी, वापस आ गई सीजन के एंड में, तो ऐसे वर्ल्ड T20 का ईयर है, तो इस सीरीज को कैसे अप्रोच कर सकते हो? क्योंकि विराट ने भी ऐसे कहा कि इस ईयर में ओडीआई उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो ऐसी सीरीज का क्या कितना इम्पोर्टेंस रह जाता है? आप लोग इंटरनेशनल मैच का इम्पोर्टेंस है, अब एक रीजन आया था कि सीरीज आ रही है, तो आप लोगों को पता है कैसे आप लोगों को अप्रोच करेंगे, तो बताने की जरूरत नहीं है. बट एम ये रहेगा हमारा कि सीरीज जीतना, अगर अच्छा नहीं करेंगे वो एज अ पर्सनल इंडिविजुअल के कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा नहीं, यहाँ से आईपीएल जाएंगे लोगों को T20 इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर हम यहाँ जीतेंगे तो जो कॉन्फिडेंस होगा आईपीएल में जाने के लिए, आगे T20 में जाने के लिए, बहुत जरूरी है. अच्छा, क्रिकेट से थोड़ा प्रोलॉन्ग एब्सेंस में, जैसे वैसे ही इतना हेल्दी कॉम्पिटिशन हो रहा है टीम के अंदर, तो वो कितना इफेक्ट करता है एक फास्ट बॉलर के लिए कि इतने सारे बॉलर तो आप इंजर्ड होते हैं तो दूसरा कोई आ जाता है, चाहर आ जाता है, कोई आ जाता है, तो हाउ यू लुक एट इट? देखिए, अगर आप टीम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो काफी अच्छी चीज है कि एक बॉलर अगर इंजर्ड हो रहा है, टीम से बाहर है किसी भी रीजन से, तो उसके पास उसके पीछे दो तीन बॉलर्स हैं जो उतनी एबिलिटी से उतने ही अच्छे हैं. बट अगर आप वापस आते हैं तो आपको पता है हेल्दी कॉम्पिटिशन है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि जब आप अगर वापसी करेंगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट से करेंगे, उसी तरीके की प्रिपरेशन करेंगे कि हाँ मेरे साथ कॉम्पिटिशन है, मुझे अच्छा करना है, वापस मुझे उस लाइनअप में आना है. तो अगर पॉजिटिव वे में देखें तो काफी अच्छी चीज है एक इंडिविजुअल के लिए भी और टीम के लिए भी. आप सवाल ये कि आप मौसम के लिहाज से यहाँ पे बैटिंग करना पसंद करेंगे या बॉलिंग? जो भी जल्दी हो जाए. मतलब अमूमन यहाँ पे बैटिंग, थोड़े बल्लेबाजी हमारे सही है, वो टीमें हारने नहीं, मतलब देखा गया तो हारी है, तो फिर पहले बैटिंग की
जिन्होंने जनरली अच्छा बैटिंग फील होता है और लास्ट में ड्यू भी आती है, तो मुझे नहीं पता कहीं पर क्यों जनरली अभी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, बट उसका रीजन ये है कि जब बाद में ड्यू होती है तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना। तो वो चीज़ें आप जो भी टीम मीटिंग हो गया जो भी यू नो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा वो अलग पार्ट्स है, बट जो आपने पूछा कि डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा बैटिंग विकेट हाई एल्टीट्यूड पर जब होता है बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता है, तो वो डिफिकल्ट होता है बॉलर कॉम्बिनेशन से। When it comes to, you know, going closer to the fans and all those things, see, this thing we cannot avoid because they love us, they support us. But yes, in this meantime, we can, you know, try to be, not say no to them, but, you know, we can choose not to go much closer or going to the public, so we can avoid as much as we can. And other things that, you know, keep wearing masks and all those gloves, all those things, so that's the thing. जब मैंने शुरू किया सर्जरी के बाद तो बहुत धीरे धीरे शुरू किया जस्ट कि मैं वॉक कर सकूं, क्योंकि एक वीक के बाद डिफरेंट एक्सरसाइजेस शुरू की रिलेटेड टू बॉलिंग। सो हम जनरली फील्ड में करते हैं भागना या कुछ स्पेसिफिक जो बैटिंग बॉलिंग में यूज होती है, तो वो चीजें धीरे धीरे की। और उसके बाद जब मुझे लगा कि थोड़ा मिलू तो उन्होंने कहीं ना कहीं बॉलिंग शुरू कराई और मैचेस मैंने खेले पिछले एक वीक में, तो वो हमारी प्लानिंग थी कि जो भी चीजें करें प्रोग्रेसिवली करें, ऐसा ना हो कि कोई मैच ना खेल के वापस मैं यहाँ पे आऊँ वापस ब्रेक आऊँ, तो वो सब चीजों का ध्यान। थैंक यू।